Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about factors of production. First of all, we will discuss what is the production, what is meant by a production, and then we will discuss what are the factors which contribute to the production of goods and services. So first of all, we will discuss about what is meant by production. Production is a process of combining inputs in order to make something for consumption. It is the act of creating an output, a good or service, which has value and contributes to the utility of individuals. Production, दरहकीकत बहुत सारे factors को, बहुत सारे inputs को combine करने का एक procedure है. हम इन इनपुट्स को कंबाइन क्यों करते हैं? इनपुट से मुराद है ऐसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जिनकी मदद से कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया जा सके. हम प्रोडक्शन के अमल में कुछ इनपुट्स को कंबाइन करते हैं ताकि उनकी मदद से एक ऐसी शय पैदा की जा सके जिसको हम कंज्यूम कर सकें. गोया के आउटपुट को क्रिएट करने का नाम ही जो है वो प्रोडक्शन है. ये आउटपुट क्या है? ये कोई गुड हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है. हर ऐसी गुड एंड सर्विसेज जो यूटिलिटी रखती है, जो वैल्यू रखती है, जो कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में, कंज्यूमर की यूटिलिटी में इजाफा करती है, वो सब की सब चीज़ों को पैदा करने का जो अमल है वो प्रोडक्शन कहलाता है. अब यहाँ हमने सबसे ऊपर बात की कि इसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें कंबाइन करने पड़ते हैं, कुछ इनपुट्स कंबाइन करने पड़ते हैं. जी बच्चों, ये इनपुट्स कहलाते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इनको चार बड़ी कैटेगरीज में तकसीम कर देते हैं. हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन चारों में से किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करता है. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. दुनिया में कोई भी शय पैदा करनी हो तो यही फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी न किसी रेशियो से जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको ज़मीन की भी ज़रूरत है, लैंड की, लेबर की यानी उस पर काश्तकार की भी ज़रूरत है. इसके अलावा आपको ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर की सूरत में कैपिटल भी चाहिए और इसके साथ साथ एक जिम्मेदार भी जो कि इसको सारे सूरत हाल को कंट्रोल कर रहा हो. इसी तरह अगर इंडस्ट्री या सनत की तरफ आइए तो वहाँ आपको लैंड की भी ज़रूरत है, जाहिर है, जिस पर वो फैक्ट्री या प्रोडक्टिव यूनिट इंस्टॉल किया कायम किया जाएगा. फिर इसके अलावा जाहिर है वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल लेबर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी मशीनें कैपिटल की सूरत में मौजूद होती हैं और यकीनन एक मैनेजर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर की हैसियत से जो है सारे के सारे मामलों को डील कर रहा होता है. इस तरह कोई भी शेयर प्रोड्यूस करनी हो आपको ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो इकट्ठे करना पड़ते हैं. गोया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? चार: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. जी बच्चों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये मैंने आपको ग्राफ की सूरत में दिखाया है ताकि आपको हमेशा याद रहे, ये हैं फोर: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. यहाँ मैंने दो तीन एग्जांपल सेट किए हैं आपकी ताकि रियल लाइफ में आपको पता चले कि जब भी कोई भी कमोडिटी या सर्विस प्रोड्यूस की जा रही होती है तो दर हकीकत फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काम कर रहे होते हैं. जैसे कि यहाँ जो है वो एक फॉर्म पर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एक फ्रूट जो है वो उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है और उसको जो है वो यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आप भी आपको फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नज़र आ रहे हैं. सबसे पहली बात तो ये लैंड है, ये सारे का सारा एरिया लैंड है ये फॉर्म पे, और यहाँ जो है इस लैंड की मदद से जो है ये सारे के सारे जो है वो फ्रूट जो हैं वो यहाँ उगाए गए हैं. फिर इसके अलावा आपको यहाँ एक लेबर भी नज़र आ रहा है और ये लेबर क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि ये फलों को जो है वो कलेक्ट कर रहा है. और आपको यहाँ एक मैनेजर भी दिखाई दे रही होंगी जो कि ये सारे के सारे प्रोसीजर को जो है वो कलेक्ट कर, सारे के सारे प्रोसीजर को जो है वो मैनेज कर रही हैं, उसको जो है वो उसकी पूरी की पूरी निगरानी कर रही हैं. और इसके अलावा जो है वो आपको यहाँ मशीन भी नज़र आ रही हैं, कुछ हमारे पास जो है यहाँ मशीनरी भी मौजूद है जो कि इन सारे के सारे इसमें इस्तेमाल की जा रही है. इस तरह फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद हैं, लैंड भी है, लेबर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है और इसी तरह जो है मशीनरी यानी कि कैपिटल भी मौजूद है. एक
और एग्जाम्पल सिलसिले में देख, जैसे कि यहाँ देखिए कि लैंड, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि लैंड हमारे पास, जैसे ये कल्टीवेटेड लैंड है जहाँ कोई फसल उगाई गई है, ये लेबर्स हैं जो कि एक जो है वो फील्ड में काम कर रही हैं, और इसी तरह ये मशीनें, ये जो हैं ये कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, आपको यहाँ नजर ही आ रहे हैं कि इंटरप्रेन्योर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, मुख्तु किस्म के डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो ये इंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। जबकि कैपिटल में आपको यहाँ पूरा एक प्लांट नज़र आ रहा है जहाँ बहुत सी मशीनें इंस्टॉल की गई हैं, जबकि यहाँ लेबर काम करें और ये लैंड है, जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हमारे। चाहे सबसे पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट इज द लैंड। लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लैंड। गोया जो लैंड से मुराद क्या है, सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज लैंड कहलाते हैं। हाँ, वो हमारी जो है वो अर्थ की सरफेस हो, ये भी सब के सब लैंड है, और इस अर्थ की सरफेस के ऊपर जितने भी नेचुरल जो है वो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इसके अलावा माउंटेन्स हैं, सब के सब जितने भी सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, और फिर सरफेस के नीचे भी जितनी चीज़ें मौजूद हैं, जितने भी हमारे पास जैसे तेल है, नेचुरल गैस है, और इसके अलावा कोयला है, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी कीमती खजानी इस ज़मीन के नीचे मौजूद हैं, एंड अबव दी अर्थ, गोया कि हमारी जो है वो ज़मीन से ऊपर भी, गोया सारे का सारा हवाई कुर्रा भी, तमाम तर नेचुरल रिसोर्सेज सब के सब क्या कहलाते हैं, लैंड। गोया लैंड जो है वो कोई लिमिटेड सा, मतलब उससे मुराद सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक्स में एक बहुत वसी कंसेप्ट देता है। गोया इससे मुराद अर्थ की सरफेस, अर्थ से नीचे भी जितने नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं और उससे ऊपर भी जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं, सब के सब लैंड की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड इट इज द प्राइमरी एंड द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज रिवर्स, ओशंस, लैंड, क्लाइमेट, माउंटेन्स, माइंस, फॉरेस्ट, ऑल आर कॉल्ड लैंड, एंड द पेमेंट फॉर लैंड इज कॉल्ड रेंट। यानी जो ज़मीन के मालिक होंगे, जो कि लैंडलॉर्ड कहलाएंगे, वो अगर अपनी ज़मीन को एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उनकी पेमेंट जो है वो रेंट कहलाती है। ये हम सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की देखेंगे साथ साथ कि उनकी पेमेंट क्या कहलाती है। लैंड की पेमेंट रेंट कहलाती है जी। जी सुन, हम यहाँ देखते हैं द टाइप्स ऑफ लैंड। लैंड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये रेजिडेंशियल भी हो सकती है जहाँ के लोगों के घर बने होते हैं, कमर्शियल भी हो सकती है, रिक्रिएशनल भी हो सकती है, कल्टीवेशन भी हो सकती है, एक्सट्रैक्शन भी हो सकती है, और अनइनहैबिटेबल भी हो सकती है। यानी कि ये तजारती भी हो सकती है, कमर्शियल है, जैसे कि अनइनहैबिटेबल से मुराद ये है कि जहाँ कोई भी ना रहता हो। बाज़ुका जो है वो बिल्कुल बैरन लैंड्स भी होती हैं, बिल्कुल बंजर ज़मीन है, उसको किसी भी किस्म की जो काश्तकारी है वो नहीं की जा सकती। जबकि कल्टीवेशन लैंड से मुराद होगी कि ऐसी लैंड कि जिस पर जो है वो बकायदा काश्तकारी के लिए रखी जाती है, कल्टीवेशन के लिए ही रखी जाती है, और वहाँ पर जो है वो एक फर्टाइल लैंड होती है, उस पर जो है वो बहुत सी फसलें वगैरह उगाई जाती हैं। रिक्रिएशनल लैंड भी होती है, रिक्रिएशन जो है उससे मुराद है कि वो बहुत सारे खूबसूरत कुदरती मनासर पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि कोई झीलें हो सकती हैं, कोई बहुत खूबसूरत रिवर का व्यू हो सकता है, या कोई पहाड़ों का खूबसूरत व्यू हो सकता है। रिक्रिएशन जो है वो लैंड भी होती है, कमर्शियल लैंड भी होती है, जिसके तहत जो है वो वहाँ जो है वो ज़्यादातर दुकानें, मार्केट्स वगैरह कायम की जाती हैं। तो इस तरह लैंड की जो है वो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इन सब से बहुत अच्छी तरह जो है वो वाकिफ़ हैं। फिर इसके अलावा देखते हैं दी प्रॉपर्टीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जाहिर है ये हमने नेचर से किसी भी किस्म की पेमेंट के जरिए हम इसको हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें ऑन प्राइस मिलते हैं, फ्री नहीं मिलते। लेकिन लैंड के अंदर ये खूबी पाई जाती है, इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड लैंड हैज़ नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जाहिर है इसको प्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता, तो जाहिर है इसकी कॉस्ट क्या होगी। इट इज़ इमोबाइल, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं की जा सकती। लैंड जहाँ है वहीं रहेगी, इसको आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मोबाइल नहीं कर सकते, नहीं लेके जा सकते। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जैसे आप एक जगह से बेचकर दूसरी जगह खरीदें, लेकिन वो एक डिफरेंट मैटर है। अगर हम देखें इसकी ये प्योर करेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज़ इमोबाइल,
हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स, तकरीबन बाकी सबके सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मोबाइल हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं, उनमें मोबिलिटी पाई जाती है। लेकिन लैंड इज ए मोबाइल, लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हर कमोडिटी, हर सर्विस की प्रोडक्शन के सिलसिले में हमें जो है वो लैंड की ज़रूरत पड़ती है। लैंड किसी न किसी तौर पर हर कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है। इट इज़ द प्राइम फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब इंसान इस दुनिया में आया और उसके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं थी, तो तब ये लैंड ही थी जो कि उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोड्यूस कर देती थी। लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड जो है वो एक्टिव फैक्टर नहीं है, ये खुद कुछ नहीं कर सकती सवाई ये कि कुछ जड़ी बूटियाँ आपके लिए उगाते हैं, लेकिन ये कि इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है उसके लिए जो है एक एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जाहिर है यकीनन ह्यूमन बीइंग है। वरना लैंड जो है वो एक पैसिव फैक्टर्स है, ये खुद जो है वो स्टिमुलेट नहीं होती, इसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। इसके लिए हमें जो है वो एरीगेशन का, सीड्स का और बाज़ औक़ात फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो है वो इंतज़ाम करना पड़ता है, ताकि इसकी फर्टिलिटी को बेहतर बनाया जा सके। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये कोई एक्टिव फैक्टर नहीं है, ये पैसिव फैक्टर है, ये खुद स्टिमुलेट नहीं होता। लैंड इज़ फिक्स्ड इन सप्लाई। लैंड जो है वो अपनी सप्लाई में फिक्स है, लैंड की सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी इस कुर्रे अर्थ पर, हमारी अर्थ के पास जितनी ज़मीन रोज़े अव्वल से थी आज भी उतनी है। इसकी सप्लाई को इन प्योर टर्म्स हम कतई नहीं बढ़ा सकते। इसकी सप्लाई टोटली इनइलास्टिक है, कोई लचक नहीं है इसमें। लैंड इज़ परमानेंट। लैंड को आप तबाह नहीं कर सकते, लैंड को आप ख़राब नहीं कर सकते। हाँ, आप लैंड को जो है ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल इसका वजूद ख़त्म करके रखते हैं। आप उसकी ख़राबी के लिए तो कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आजकल आपको पता है पोल्यूशन ने की वजह से, लैंड पोल्यूशन एक बहुत बड़ा जो है वो एलिमेंट है, एक बहुत बड़ा मसला है आज की हमारी दुनिया के लिए। लेकिन लैंड को क्या मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, इसका वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए? एक छोटे से भी लैंड के पीस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। गोया हम कह सकते हैं लैंड इज़ परमानेंट, ये मुस्तकिल नोयत की होती है। लैंड इज़ हेट्रोजीनियस एज इट डिफर्स इन फर्टिलिटी। सारी की सारी लैंड एक जैसी नहीं होती। लैंड जो है वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स में बहुत वैरायटी रखती है। स्पेशली अगर हम उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स फर्टिलिटी ही देख लें, कि वो अपनी फर्टिलिटी, अपनी जरखेज़ी के लिहाज से बहुत उसमें फ़र्क पाया जाता है, बहुत डिफरेंस है। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि बहुत डिफरेंट होना, मुख्तलिफ होना। तो लैंड जो है वो अपनी फर्टिलिटी के लिहाज से मुख्तलिफ है। कोई बाज बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स हैं, और बाज तो बिल्कुल ही बैरन है, और बाज लेस फर्टाइल लैंड्स हैं। फिर एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि लैंड हैज़ अल्टरनेटिव यूज़। लैंड का कोई सिर्फ एक ही यूज़ नहीं है, लैंड के अनलिमिटेड मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे कि आप इस पर फसल भी उगा सकते हैं, आप इसको जो है इस पर इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं, इस पर घर बनाए जाते हैं, इस पर जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती हैं, यानी तफरीही जो है वो सरगर्मियाँ भी इस पर की जाती हैं। गोया लैंड के बहुत सारे इस्तेमाल जो है वो किए जा सकते हैं। लैंड इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली दफ़ा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एक ज़रा नया कंसेप्ट है। लेकिन सिंपली ये समझिए कि लैंड एक ऐसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा जो है वो इस पर इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे, ज़्यादा लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हासिल होने वाली पैदावार जो है वो कम होती चली जाती है। गोया इस पर आप जैसे जैसे दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो इससे हासिल होने वाली प्रोडक्शन जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न रखती है, यानी कम जो है वो उसकी पैदावार होती चली जाती है। जी स्टूडेंट्स, ये इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोडक्शन लेबर आर ह्यूमन एफर्ट्स डेट असिस्ट इन प्रोडक्शन इज लेबर। दिस एफर्ट कैन बी मेंटल आर फिजिकल। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज इट मे बी ऑफ मेंटल आर फिजिकल। इट इज आर ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द वर्कर हु अप्लाइज देयर एफर्ट्स, एबिलिटीज एंड स्किल्स टू प्रोड्यूस। गोया जो हमारा ह्यूमन एफर्ट है वो क्या कहलाती है? ह्यूमन एफर्ट जो है वो लेबर कहलाती है। ये ह्यूमन एफर्ट जो है वो दो तरह की हो सकती है, ये मेंटल भी होती है, फिजिकल भी होती है। मेंटल में आप देखिए, जैसे कि एक इंजीनियर है, एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, ये सब के सब मेंटल एफर्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग जो है वो फिजिकल एफर्ट करते हैं, वो मेंटल एफर्ट नहीं। जैसे एक कारपेंटर है, एक फार्मर है, उनकी एफर्ट क्या है? फिजिकल एफर्ट है। इसी तरह फिर इन दोनों की एफर्ट्स, दोनों टाइप की एफर्ट जो है वो लेबर ही के कैटेगरी में फॉल करती है।
गोया हम कह सकते हैं कि लेबर क्या है, वो ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर एक ऐसा वर्कर है जो कि ज़ार अपनी एफर्ट्स, अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करता है जाके कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस किया जा सके। जैसे हमने पहले देखा लैंड की पेमेंट कहलाती है रेंट, तो इसी तरह जो लेबर ज़ाहिर है अपनी सर्विसेज, अपनी एबिलिटीज, स्किल्स मुफ्त प्रोवाइड नहीं करता उसकी, बल्कि इसकी पेमेंट लेता है और इसकी पेमेंट कहलाती है वेज। अब हम देखते हैं कि लैंड लेबर की जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। लेबर भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है या और प्रोफेशनल है। अनस्किल्ड लेबर वो लेबर होता है जिसने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की होती, वो टोटली जो है अपने प्रोफेशन के रूल्स, रेगुलेशन या अगर वहाँ कोई मशीनरी इस्तेमाल हो रही है तो उसके इस्तेमाल से मुतलिक, उसके वियर और टियर से मुतलिक, उसकी रिपेयर से मुतलिक टोटली जो है उसको कोई इल्म नहीं होता, ये एक अनस्किल्ड लेबर होता है। जबकि सेमी स्किल्ड लेबर वो होता है कि जिसने बाकायदा ट्रेनिंग जो है वो हासिल ना की हो, या अगर उसने कोई ट्रेनिंग भी हासिल की है तो वो अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल नहीं किया, लेकिन वो बहुत अरसा अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है वो अपने अंदर स्किल पैदा कर लेता है, चुनाचे वो सेमी स्किल्ड जो है वो लेबर कहलाता है। जबकि स्किल्ड लेबर वो लेबर होता है जिसने किसी काम को करने की बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की होती है, ट्रेनिंग फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, दोनों तरह की ट्रेनिंग जो है वो हासिल कर रखी होती है, वो एक स्किल्ड लेबर होता है। तीनों तरह के अगर हम लेबर्स को कंपेयर करें तो जो स्किल्ड लेबर हैं उनको हमेशा जो है वो ज़्यादा वेजेस दी जाती हैं, जबकि सेमी स्किल्ड को निस्बतन कम और अनस्किल्ड को सबसे ज़्यादा कम जो है वो वेजेस दी जाती हैं। प्रोफेशनल्स वो लेबर हैं जो कि अपने काम में बहुत परफेक्ट होते हैं, वो अपने काम में उन्हें स्पेशलाइजेशन हासिल होती है, उन्होंने उसके बारे में जो है मुकम्मल तौर पर सारी की सारी नॉलेज ना सिर्फ हासिल की होती है बल्कि उसको प्रैक्टिकली सारी की सारी नॉलेज को अप्लाई भी करके देख रखा होता है। इसके अलावा उनको अपने डिपार्टमेंट में, अपनी फील्ड में रिसर्च भी और रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा कमाल हासिल होता है, ये लोग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। किसी भी फील्ड में हाईली एजुकेटेड पर्सन, हाईली टेक्निकल पर्सन आर कॉल्ड दी प्रोफेशनल्स, जैसे कि बड़े बड़े पीएचडी ऑफिसर, प्रोफेसर्स, फिर इसके अलावा आप देखिए कि सर्जन्स या बहुत अच्छे जो हैं वो हाईली ट्रेन जो हैं वो इंजीनियर्स, ये सब के सब जो हैं वो प्रोफेशनल की कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं। प्रोफेशनल की अगर हम वेजेस देखें, प्रोफेशनल की वेजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, दे आर दी हाईली पेड पीपल, जबकि अनस्किल्ड जो है वो लो पेड जो हैं वो लेबर हैं। दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू दी लैंड, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर वाइल दी लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये खुद जो है वो इंसेंटिव लेता है, खुद स्टिमुलेट होता है। लेबर इम्प्लाइज सेवरल टाइप्स, इट मे बी मैनुअल आर दी इंटेलेक्चुअल, ये हमने अभी डिस्कस भी किया, इसको आप वो मेंटल और जो है वो हम देख सकते हैं कि फिजिकल की कैटेगरी में ही है। लेबर इज पेरिशेबल, जैसे कि हमने कहा था कि लैंड इज परमानेंट, तो लेबर जो है वो परमानेंट नहीं है, वो पेरिशेबल है। हम जानते हैं कि लेबर जो है वो तो वैसे भी ज़ाहिर इंसान है और इंसान तो जो है वो फ़नी ही है, लेकिन इसके अलावा भी उसके अंदर जो एबिलिटीज़ पाई जाती हैं, जो स्किल पाई जाती हैं, वो भी एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे एक प्रॉपर लेबर जो है वो यकीनन एक इंसान जो है वो तकरीबन 16 to 17 ईयर्स के बाद इस काबिल होता है कि वो एक लेबर के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम हद है उसकी स्किल्स को मुकम्मल तौर पर अवेल करने की वो 64 तक समझी जाती है। वो इसके बाद जो है उसके अंदर लेबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो स्किल होता है, वो अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है, वो फिजिकली और मेंटली काम करने के लिए फिट होता है, वो पेरिशेबल होना शुरू हो जाती है, यानी आज ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और फिर एक वक्त तो खैर ऐसा ही आता है क्योंकि वो फ़ानी है, वो मौत का शिकार हो जाता है। तो लेबर इज़ पेरिशेबल, लेबर जो है वो परमानेंट नहीं होता। लेबर इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम दी लेबरर, यानी कि मेहनत जो है उसको, लेबर को जो है उसकी इस क्वालिटी से कि उसके अंदर जो है वो एबिलिटी पाई जाती है काम करने की, उससे जो है वो अलग नहीं किया जा सकता। हम इसको सिंपली कहते हैं कि जैसे मेहनत को मजदूर से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही चीज़ का नाम है, जबकि बाकी ऐसा नहीं है। जैसे कि लैंड को लैंडलॉर्ड से अलग किया जा सकता है, कैपिटल को कैपिटलिस्ट से अलग किया जा सकता है, लेकिन लेबर को लेबरर से अलग नहीं किया जा सकता, कि एक ही चीज़ के दो नाम हैं।
लेबर इज लेस मोबाइल बिटवीन प्लेसेज एंड ऑक्यूपेशन। अगरचे लैंड तो बिल्कुल ही इमोबाइल है लेकिन लेबर जो है वो मोबाइल है। और लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें एज कम्पेयर टू कैपिटल, तो कैपिटल की नस्बत जो है लेबर कम जो है वो मोबाइल है, क्योंकि ये अपने लोगों से, अपने इलाके से, अपनी फैमिली से, अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर, इन सब से मोहब्बत रखता है। इसलिए ये आसानी के साथ जो है वो एक प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस की तरफ नहीं जाता। और इसी तरह ऑक्यूपेशंस को भी बहुत आसानी के साथ जो है उसमें मोबाइल नहीं होता कि एक प्रोफेशन को, एक ऑक्यूपेशन को छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशन में चला जाए, क्योंकि उसके पीछे वजह ये है कि वो अब रिस्क उठाना नहीं चाहता। बहुत कम लेबर्स ऐसे होते हैं कि जो रिस्क लवर हों, वरना आम तौर पर वो रिस्क अवर्टर होते हैं, रिस्क नहीं उठाते, इसलिए अपने प्रोफेशन के साथ, अपने ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े रहते हैं। लेबर इज अ मीन्स एज वेल एज एन एंड। और इसी तरह जो है जो लेबर है वो हमारी मीन्स भी है, उसके साथ साथ जो है वो हमारी ख्वाहिश, यानी कि ये एक एंड भी है। इट इज़ बोथ द कॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये एक इसको जो है ये हमारी प्रोडक्शन की जो है वो वजह भी है। हम इसको जो है वो लेबर की मदद से जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है बैक वक्त ना सिर्फ जो है वो कमोडिटीज को प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कमोडिटीज को इस्तेमाल करने वाला कंज्यूमर भी है। लेबर जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी है और इसके साथ जो है वो कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्शन भी है। बैक वक्त कंज्यूमर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी और कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्शन भी। लेबर यूनिट्स आर हेट्रोजीनियस, लेबर्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस होते हैं, ये होमोजीनियस नहीं होते, ये अपनी एबिलिटी के लिहाज से बहुत डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर जो है इनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है, बाज़ बहुत इंटेलिजेंट और बाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम इंटेलिजेंट होते हैं। लेबर सप्लाई डिटरमाइंस इट्स रिवॉर्ड, और लेबर की जो सप्लाई है वही तय करती है कि इसका रिवॉर्ड क्या होगा। लेबर डिमांड भी, लेकिन लेबर सप्लाई का हमने जिक्र इसलिए यहाँ किया कि लेबर की सप्लाई कौन देता है, खुद लेबर अपने आप को काम के लिए पेश करते हैं, गोया लेबर सप्लाई लेबर की तरफ से आती है, ये उसके रिवॉर्ड को यानी इसके वेज को तय करती है। लेबर हैज़ वीक बार्गेनिंग पावर, लेबर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। उसके पीछे जो वजह है वो यही है कि लेबर की जो लेबर जो है उसको जो है वो स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर हम लेबर को स्टोर कर लें, यानी अगर एक लेबरर एक दिन काम नहीं करता, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि उसकी उस दिन की लेबर जो है वो स्टोर हो जाएगी और अगले दिन वो जो है वो दो दिन की लेबर के बराबर काम कर सकेगा। चूँकि ऐसा नहीं है, इसलिए उसकी जो है वो बार्गेनिंग पावर, उसकी सौदाबाजी की कुव्वत बहुत कमज़ोर होती है, और इसी वजह से वो लो पेड पीपल कहलाते हैं। उनकी वेजेस आमतौर पर बहुत कम रखी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास तो सिर्फ और सिर्फ लेबर ही है जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना है, और अगर आज काम ना किया तो आज की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। इसलिए वो इनसे हर हाल में जो है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हर हाल में इनसे जो है वो काम ले लेता है। द थर्ड इज़ द कैपिटल। कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड रिसोर्सेज यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ अ प्रोड्यूस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स फैक्ट्रीज, मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल्स, वेल्थ। द पेमेंट फॉर कैपिटल इज इंटरेस्ट। गोया कैपिटल क्या है, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं। कैपिटल इज अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इज लैंड एंड द ह्यूमन बींग रिसोर्सेज विच इज द लेबर। वो इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। जैसे कि इंसान जो है वो दरियाओं के ऊपर जो है वो कोई बंद बना लेता है, पावर हाउसेस बना लेता है, तो ये सब का सब जो है वो कैपिटल बन जाता है। गोया नेचुरल रिसोर्सेज को मोल्ड करके इंसान जो है वो अपने लिए जब इस्तेमाल करता है तो ये मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, ये कैपिटल कहलाते हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूस फैक्टर है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो जाहिर है नेचुरल फैक्टर्स ही आते हैं, ह्यूमन बींग्स हों या एंटरप्रेन्योर हो या लेबर हो या लैंड, लेकिन कैपिटल जो है वो एक प्रोड्यूस फैक्टर्स है। इसकी पेमेंट कैपिटल की पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है कहलाती है। देयर आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल की जो है वो बहुत सारी जो है वो किस्में होती हैं, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है कि जो जो है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि वो अपने प्लांट में जो है वो फिक्स होता है, वो आसानी के साथ जो है वो मूवेबल नहीं होता, इसको हम जो है वो मूव नहीं कर सकते, ये हमारा फिक्स्ड जो है वो कैपिटल कहलाता है। और ये पायदार और मुस्तकिल नियत का होता है, और इसको हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं,
जैसे है मशीनरी है, टूल्स हैं, फिर इसके अलावा बिल्डिंग है। इसी तरह अगर हम देखें फार्मर का जो है वो ट्रैक्टर है, ये सब के सब जो है वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाते हैं क्योंकि ये अपनी शक्ल नहीं बदलता। जबकि इसके बरक्स जो है वो वर्किंग या बाज़ को इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं, ये ऐसी जो है कैपिटल है जो एक ही बार इस्तेमाल होने से जो है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हम कपड़े में जो है को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो धागा इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कोई भी रॉ मटेरियल, या अगर हम जो है शू मेकिंग फैक्ट्री में जो लेदर इस्तेमाल किया जाता है उससे जूते बना लिए जाते हैं, उसके बाद वो अपना इस्तेमाल ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह जो है कागज़ बनाने वाली इंडस्ट्री में जो है वो लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद वो अपना इस्तेमाल ख़त्म कर देते हैं, वो बार बार इस्तेमाल नहीं होते, जबकि फिक्स्ड कैपिटल जो है वो बार बार इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक कैपिटल जो है उससे मुराद है ऐसी कैपिटल, ऐसा कैपिटल जो कि कलेक्टिवली पूरी की पूरी जो नेशन है उसकी ऑनरशिप में हो, वो कहलाता है हमारा पब्लिक कैपिटल कहलाता है। जैसे कि किसी मुल्क में जो है वो सड़कों का सिस्टम, उसकी जो है वो नहरें, उसके पावर हाउसेस, इसके अलावा पब्लिक जो है वो हॉस्पिटल्स, और इसके अलावा जो है रेलवे सिस्टम, एयरपोर्ट्स, जो सब के सब गवर्नमेंट के अंदर हों, वो सबका सब पब्लिक एसेट जो है वो कहलाता है और ये हमारा पब्लिक कैपिटल होता है। जबकि इसके बरक्स जो प्राइवेट कैपिटल है, ये ऐसा कैपिटल है जो कि पूरी नेशन के बजाय किसी न किसी खास अफराद की जो है वो ऑनरशिप में होता है। मिसाल के तौर पर एक फार्मर का जो है ट्रैक्टर, एक अगर हम देखें एक टेलर की जो है वो उसकी स्विंग मशीन, या एक यहाँ अगर आप देखें तो कोई भी हमारे पास जो है वो कोई शुगर मिल है, कोई टेक्सटाइल मिल है, ये सब के सब जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कैपिटल कहलाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास है संक। संक कैपिटल जो है वो एक ऐसा कैपिटल है जिसमें हम कैपिटल को कोई किसी खास इस्तेमाल के लिए जो है उसको हम जो है वो अब एक खास शक्ल देते हैं, लेकिन इसके बाद हम अब इसको किसी दूसरी शक्ल में जो है वो नहीं बदल सकते। मिसाल के तौर पर अगर हमने जो है कोई सड़क बना ली, अब हम इसको जो है ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी मदद से जो है वो कोई और शहर जो है वो बना लें, या इसी तरह जो है अगर हमने कोई पावर हाउस बना लिया तो इसका मतलब है कि अब हम इससे इसकी मदद से कोई दूसरी शहर जो है वो नहीं बना सकेंगे। वो या संक एक इस तरह का कैपिटल होता है कि वो बिल्कुल जामित होता है, और वो जब उसको एक मखसूस शक्ल मिल जाती है तो अब वो किसी और शक्ल में जो है वो नहीं ढल सकता। जबकि जो फ्लोटिंग कैपिटल होता है वो एक ऐसा कैपिटल है जिसको आप जो है वो कोई मखसूस शक्ल नहीं देते, और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको जब चाहें किसी भी दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, या ज़र्ब की सूरत में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो है जब आप एक दफ़ा उस पे उनको ले लेते हैं, उसको इख्तियार कर लेते हैं, तो वो फ्लोटिंग कैपिटल अगर आप चाहें कि इनको चेंज कर लिया जाए तो वो अपनी शक्ल चेंज भी कर सकते हैं, या तो मनी की सूरत में चेंज कर सकते हैं या फिर किसी और सूरत में जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और आप चाहें कि इसके बजाय जो है वो किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाएं या हुकूमत के बॉन्ड्स खरीद लिए जाएं, तो ऐसा किया जा सकता है, या इनको रुपयों की सूरत में चेंज किया जा सकता है। ये हमारा फ्लोटिंग कैपिटल कहलाते हैं। जबकि सम कैपिटल, जैसे कि हमने उसकी एग्जाम्पल्स देखी कि रोड्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं, और इसके अलावा कोई बड़ी इमारत है, हॉस्पिटल हैं, इनको हम आसानी के साथ किसी अब दूसरी शक्ल में नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोड्स बना लें तो इसके बजाय हम इसको जो है यहाँ कोई हॉस्पिटल बना लें, तो उसको शक्ल को आसानी से नहीं बदला जा सकता। लेकिन फ्लोटिंग जो है वो अपनी शक्लें बदलता रहता है। जैसे कि आप देखें इन्वेस्टर्स के पास आज अगर कुछ पैसे मौजूद हैं तो वो कभी उससे बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, कभी जो है उसकी मदद से सिक्योरिटीज जो है खरीद लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर, ये इंसान ने बनाया है। कैपिटल इज मोबाइल बिटवीन प्लेसेज एंड पर्सन, सबसे ज़्यादा जो मोबिलिटी पाई जाती है कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाना, वो कैपिटल में पाई जाती है। कैपिटल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक इलाके से दूसरे इलाके और एक फर्द से दूसरे फर्द में जो है वो मोबाइल होता है, यानी हरकत कर लेता है। कैपिटल इज पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी जो है वो लैंड की तरह पैसिव फैक्टर्स है, ये खुद स्टिमुलेट नहीं होता है बल्कि इसके इंसान ही इसको स्टिमुलेट करता है। कैपिटल सप्लाई इज इलास्टिक, लेकिन कैपिटल की जो सप्लाई है वो बहुत इलास्टिक है, आप जब चाहें उसकी प्रोडक्शन को कम भी कर सकते हैं क्योंकि आप इंसान उसको खुद बनाता है, और जब चाहें उसको कम भी कर सकते हैं। कैपिटल डिमांड इज अ डिराइव डिमांड, आम तौर पर आम लोगों को इसकी डिमांड डायरेक्ट नहीं होती, इसकी डिमांड जो है वो डिराइव डिमांड होती है, यानी किसी दूसरी शेयर की डिमांड से जो है वो डिराइव की गई होती है। जैसे
कपड़ा बुनने की मशीनें पावर लूम्स, हमें इनकी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, बल्कि हमें डिमांड है क्लॉथ की। तो क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है पावर लूम, और पावर लूम कहलाती है कैपिटल। गोया जो पावर लूम की डिमांड है वो एक ड्राइव डिमांड है, वो किसकी डिमांड से निकाली गई है, वो क्लॉथ की डिमांड से निकाली गई है। इसी तरह हमें मशीन ने औलाद वगैरह की डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, बल्कि हमें तो उन चीज़ों की डिमांड होती है जो कि ये मशीनें वगैरह पैदा करती हैं। इसलिए मशीनों की डिमांड डिराइव डिमांड है, वो उन चीज़ों की डिमांड से निकाली गई है जो कि ये मशीनें पैदा करती हैं। और कैपिटल इज़ ड्यूरेबल, कैपिटल जो है वो बहुत काफ़ी हद तक जो है वो पायदार जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये आसानी के साथ जो है वो खराब नहीं होता, पेरिशेबल है। दी लास्ट इट इज़ दी एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन वन प्लेस, ही यूजेस देम फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ही इज़ दी पर्सन हु डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। गोया एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, एक छत के नीचे जमा करता है, इनकी मदद से प्रोडक्शन लेता है और जो है सारी की सारी जो है वो मैनेजमेंट करता है। और बहुत ही अहम जो है वो डिसीजंस कि हाँ कितना प्रोड्यूस किया जाए, कैसे और किस तरह प्रोड्यूस किया जाए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं ये एंटरप्रेन्योर ही करता है। हम ये जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन सर एग्जाम देता है। सबसे पहले इनिशिएशन, ये जो है सबसे पहले इनिशिएशन लेता है, सबसे पहले जो है वो पहला कदम उठाता है कि किस शेयर में जो है वो प्रोडक्शन की जाए, कहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाए। फिर ये इनोवेशंस भी करता रहता है, नई नई जिदो तो इख्तरात करता रहता है, आप इस्तेमाल में आने वाली नई नई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता रहता है और शेयर को पैदा करने के नए नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी भी अप्लाई करता रहता है। फिर रिसर्च भी करता रहता है। कोऑर्डिनेशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर गर्चे सब अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको कोऑर्डिनेट कौन करता है, इनको एक जगह जमा कौन करता है, इनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन कौन पैदा करता है, इट इज़ द एंटरप्रेन्योर। फिर एंटरप्रेन्योर्स जो है वो पूरी पूरी मैनेजमेंट करता है, वो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उसकी डायरेक्शन करता है और सारे के सारे प्रोडक्शन प्रोसीजर की सुपरविजन करता है। जहाँ भी कोई मसला पैदा होता है उसको सॉल्व करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्क टेकिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग। हर एक का जो पेमेंट है वो सेफ है, क्योंकि वेजेस, मजदूर ने अगर मेहनत की है, लेबर ने अगर मेहनत की है तो उसको वेज मिलेगी, लैंड को भी रेंट मिल जाएगा, कैपिटल को भी इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर को नुकसान होता है तो सबको तो उसकी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन एंटरप्रेन्योर को हो सकता है प्रॉफिट ना मिले और उसको जो है वो लॉस का सामना करना पड़े, गोया उसको रिस्क उठाना पड़ता है और वो नहीं जानता कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पेश होगी, इसलिए वो अनसर्टेनिटी बियर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डायनामिक सिचुएशन है जिससे जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है वो गुजरता है। इसलिए देखा जाए तो चारों फोर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कई लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि इंडिविजुअल इंटर ऑनरशिप। इंडिविजुअल ऑनरशिप में जस्ट एक सिंगल इंटरप्रेन्योर होता है जो कि ये सारे के सारे फंक्शन जो कि हमने पीछे देखे वो कर रहा होता है। फिर पार्टनरशिप है, जो कि ज़ाहिर है दो मेंबर्स भी हो सकते हैं पार्टनरशिप में और 50 तक भी हो सकते हैं, लेकिन जो है वो पार्टनरशिप में जो है वो दो से ज़्यादा जो हैं, दो या दो से ज़्यादा जो हैं वो इंटरप्रेन्योर जो हैं वो शामिल होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं और जिसके तहत वो खास किसी पर्पज़ के लिए भी बनाई जा सकती हैं। बाज़ात कंज्यूमर्स मिलकर भी आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेते हैं, जो अपना थोड़ा थोड़ा जो है वो फाइनेंस जमा कर बड़े पैमाने पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, जो कि अपना अपने शेयर्स जो हैं वो सेल करती हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आम लोग जो हैं उनके शेयर्स खरीदते हैं और ये कुछ अरसे के बाद अपना जो है वो प्रॉफिट अनाउंस करती हैं और अपने शेयर होल्डर्स में उनकी ली गई जो है वो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक जो है वो उनमें शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, ये जॉइंट स्टॉक कंपनियां कहलाती हैं। स्टेट इंटरप्राइजेज हैं, ये गवर्नमेंट के तहत कायम होने वाली जो हैं वो इंटरप्राइजेज हैं और ये इनमें भी जो है वो इन्वेस्टमेंट ये आमतौर पर हुकूमत की भी खालिस इन्वेस्टमेंट से फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट करती हैं या इसके साथ साथ ये लोगों से भी जो है वो शेयर्स कर लेती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स की जो है वो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ही हैज़ इमेजिनेशन, जाहिर है कि वो इमेजिनेशन रखता है कि किस तरह जो है वो सारे के सारे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड किस तरह जो है उसे सारे के सारा जो है वो डिसीजन करना है, पूरी की पूरी प्लानिंग करनी है, जाहिर इसके लिए उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ही हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वाला एंटरप्रेन्योर ही एक कामयाब एंटरप्रेन्योर होता है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ मैन ऑफ एक्शन, जाहिर है वो फ़ौरन एक्शन लेता है,
कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो उसको वो फौरन जो है वो सॉल्व करता है, ताकि उसकी प्रोडक्टिव यूनिट में जो स्मूथ प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन है वो रुकने ना पाए। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, ये तमाम तर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, खा वो प्रोडक्शन हो, खा वो जो है वो कमोडिटीज़ की सेल हो, खा वो रॉ मटेरियल की परचेज हो, या इसके साथ साथ जो है वो लेबर्स के साथ डीलिंग हो, हर चीज़ को वो बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। ही शुड बी नॉलेजेबल मैन, जाहिर है अगर वो नॉलेजेबल मैन नहीं है, अगर उसको नहीं मालूम कि जो है उसको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन होती है कि लेबर मार्केट में जो है वो क्या सिचुएशन है, कमोडिटी मार्केट में क्या सिचुएशन है, इन द सेम वे मनी मार्केट में या क्रेडिट मार्केट में जो है वो क्या सूरत हाल है, वो इन तमाम तर मार्केट्स की डिमांड और सप्लाई कैफियत को बहुत अच्छी तरह जानता है, प्राइसिस का इलम रखता है, नई टेक्नोलॉजी का इलम रखता है, वो एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता है। अगर वो ऐसा नहीं है तो यकीन वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंड ही मस्ट हैव अ प्रोफेशनल अप्रोच, और उसको अपने जो है वो काम से मुतलिक जो है वो एक परफेक्ट प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो रखता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमने फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टडी किए, और ये जो है उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं।